आज मैंने यहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय नवाबगंज को एक ज्ञापन सौंपा है, एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें 14 तारीख को रिछोला चौकी के सामने एक पत्रकार के साथ में जो भाजपाई दबंगों द्वारा एक घटना कारित की गई थी, उसमें बुरी तरीके से एक पत्रकार को भी मारा गया था। पहले उससे पूर्व एक शिकंजी बेचने वाले गरीब को मारा जा रहा था। उस घटना को वो देखने के लिए भीड़ जमा थी, उस देखने के लिए वो पत्रकार वहाँ देखने लगा तो उन लोगों ने उस पत्रकार को भी निशाना बना लिया और उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया भाजपाई दबंगों के द्वारा। तो वहाँ से किसी तरह उस पत्रकार ने, उसके हाथ में मोबाइल था, वो छीन लिया गया। फिर किसी तरह जब उसके पास मोबाइल आया, उसने मुझे संपर्क किया, यानी संस्था को संपर्क किया। मैं तुरंत वहाँ से अपने बरेली आवास से चल पड़ी और यहाँ पर पहुँची लगभग 8 बजे शाम को। घटना उससे पहले की थी। उसके बाद सारा मामला थाने में था और थाने में जो हुआ वो उसकी चश्मदीद गवाह मैं भी हूँ। और वहाँ पर थाने में बैठकर भाजपाई दबंगों ने लव जिहाद का मामला बताया, जबकि मैंने पूछा, वहाँ विधायक, माननीय विधायक जी भी मौजूद थे हमारे, उनके अनुज मौजूद थे, उनके सारे साथी मौजूद थे और वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने ये घटना कारित करी थी। तमाम भीड़ मौजूद थी, पुलिस प्रशासन मौजूद था। उसके पश्चात मैंने पूछा कि आखिर इसे क्यों मारा गया, इसने कौन सा ऐसा अपराध किया था। अपराध किया था तो उसके लिए कानून है, किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है। तो पूछे जाने पर बताया, माननीय विधायक जी ने भी बताया और उनके अनुज ने बताया कि लव जिहाद का मामला था। तो मैंने कहा, ऐसा क्या हो रहा था जिसे आप लव जिहाद कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि दो लड़कियों को, एक मुस्लिम लड़का कोई भगा के लिए जा रहा था, ऑटो में बैठा के लिए जा रहा था। तो मैंने पूछा, वो लोग कौन थे, आप उन्हें जानते हैं क्या, उन्होंने कंप्लेंट की आपसे, कोई उनके घर से कंप्लेंट आई। तो बोले, हम उन्हें जानते ही नहीं हैं, वो कहाँ हैं, कौन हैं, कहाँ चले गए, इसका कुछ अता पता नहीं, यानी कि किसी भी घटना का कोई सिर है न पैर है। उसके बाद लव जिहाद के नाम पर ये बर्बरता नवाबगंज क्षेत्र में की गई है। ऐसी बर्बरता आज तक नवाबगंज क्षेत्र में नहीं हुई है, चाहे सरकार कोई सी भी रही हो। आज एक नई नींव डाली गई है नवाबगंज में कि इस तरह से बर्बरता और मानवता को शर्मसार करने वाली, सरेआम किसी निर्दोष को पीटने वाली घटना कारित की गई है। तो संस्था इसका पुरजोर विरोध करती है और इस संबंध में आज उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है संस्था ने और मांग की है कि दोषियों के विरुद्ध हमें कड़ी कार्रवाई चाहिए। और उस पत्रकार की दूसरी व्यथा सुनिए कि उस पत्रकार का मुकदमा तो थाने में दर्ज किया गया है, लेकिन उन दबंगों ने भी बाद में फर्जी मुकदमा पुलिस पर दबाव बना के, सत्ता ने पुलिस पर दबाव बना के एक मुकदमा उस पत्रकार के ऊपर करवाया है। और जो मुकदमा दर्ज करवाया, पत्रकार का मुकदमा 323 में दर्ज किया गया है और उन दबंगों का झूठा मुकदमा 324 में दर्ज किया गया। आईपीसी की 324 धारा जो है वो 323 से भारी धारा है। तो ये स्थिति है, यानी कि उस निर्दोष पत्रकार के ऊपर डबल अन्याय हुआ है कि एक तो उसको सरेआम मारा गया है, उसके बाद उसी के ऊपर दबंगों ने मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। इसके लिए मैंने उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर ये मांग की गई कि उस मुकदमे को, फर्जी मुकदमे को खत्म किया जाए और दबंगों के ऊपर सही कार्यवाही करते हुए, उचित कार्रवाई, न्यायोचित कार्यवाही करते हुए उनको सही दंड दिलाया जाए कानून से, क्योंकि कानून सबके लिए है। सरकार के लिए भी कानून है, सरकार के नुमाइंदों के लिए भी कानून है, आम जनता के लिए भी वही संविधान, वही कानून है। किसी को कोई भी घटना अगर हो रही है तो उसकी जानकारी आप पुलिस प्रशासन को दीजिए। अपने हाथ में घटना, कोई भी फर्जी घटना बनाकर आप किसी को भी पीट सकते हैं। आपको लव जिहाद के नाम पर पीटने का अधिकार किसने दिया है? कानून ने दिया है, सरकार ने दिया है। अगर अथराइज किया है तो उसकी अथराइजेशन आप दिखाइए, जनता को सार्वजनिक करिए कि हाँ, हमें अथराइज है कि हम कहीं भी लव जिहाद के नाम पर किसी को पीट सकते हैं। तो इस चीज़ को आम जनमानस में इतना भय व्याप्त है, पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह से अब यहाँ पर किसी को भी पीट दिया जाएगा। तो इस बात को संस्था ने संज्ञान में लिया है और मैंने इस ज्ञापन की प्रतिलिपि सभी उच्च अधिकारियों को, जिले के जिलाधिकारी महोदय,
आईजी महोदय, एसएसपी महोदय, कमिश्नर महोदय, सभी को मैंने ये प्रतिलिपि इसकी भेजी हुई है। मैं सभी अधिकारियों को उसका संज्ञान देती हूँ कि यह घटना इतनी बड़ी है, इसके बाद अगर कोई दूसरी घटना घटती है तो इसके लिए पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि मैं संस्था के नाते जनहित में कार्य करती हूँ, जनहित की आवाज़ को उठाती हूँ। मैं पूरे ज़िले की सरकार को, पूरे ज़िले के प्रशासन को भी अवगत करा रही हूँ इस घटना के बारे में, ताकि अगर, मैंने ये भी कहा है, उसमें जितने भी एविडेंस हैं वो पुलिस प्रशासन उसको निकाले और संस्था को भी प्रोवाइड कराए। वहाँ पर जो घट उसके अंदर थाने में बैठकर हुआ था, उसको सीसीटीवी कैमरे अगर वहाँ लगे हैं तो उसमें ज़रूर वो कैद है। जो मुकदमा उनके उन्होंने फर्जी दर्ज कराया है, उस समय तक 10 बजे तक मैं भी थाने में मौजूद थी, कोई चोट नहीं थी, कुछ नहीं थे, सारे लोग बैठे हुए थे। उसके बाद ये फर्जी मुकदमा कैसे दर्ज कराया, उसकी मुझे सीसीटीवी फुटेज की मांग संस्था करती है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर जब मैं मौजूद थी तो मेरी आवाज़ को दबाने के लिए भी माननीय विधायक जीवा उनके अनुज और उनके साथी इतनी जोर मेरे ऊपर बरसे थे कि एक महिला को डरा धमका दिया जाए ताकि वो कभी भविष्य में इस तरह की किसी पीड़ित के लिए आवाज ना उठा सके। लेकिन पैनी नजर सामाजिक संस्था हमेशा अन्याय के लिए के खिलाफ खड़ी रहेगी और सुनीता गंगवार की आवाज को जब तक वो जिंदा है कोई दबा नहीं सकता है, किसी पीड़ित के लिए नहीं दबा सकता।